हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन किसेफ। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटा और चटाकेदार ओल का अचार। तो देखिए, मैंने ओल का अचार बनाने के लिए ओल ले लिया है। इसे कुछ लोग सूरन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे जिमीकंद भी बोलते हैं, लेकिन बिहार में इसे ज्यादातर लोग ओल के नाम से ही जानते हैं। तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल एकदम चटपटा और चटाकेदार ओल का अचार। तो ओल का अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम ओल ले लिया है। इस पर बहुत सारे मिट्टी जमे होते हैं, तो सबसे पहले तो मिट्टी को साफ कर लेना है और उसके बाद इसका छिलका हटा लेना है। अगर आप ओल का छिलका हटा रहे हैं या तो उसे काट रहे हैं, तो आप हाथों में ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि ओल काटने या छीलने से हाथों में इचिंग होता है। तो आप ग्लव्स जरूर से लगा कर ही ओल को छीले या काटे। तो देखिए, इसका मैंने अच्छे से ऊपर से सारे मिट्टी को साफ कर छिलका हटा लिया है और इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। इसे काटने के बाद भी अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको 10 से 12 मिनट तक धूप में रख देना है, जिससे कि इसमें का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद इसे कद्दूकस कर लेना है। और रोल का अचार बनाने के लिए देखिए, मैंने लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा ले लिया है। जितना ओल लेंगे उसका हाफ हमें ये तीनों सामग्री लेना है। तो 500 ग्राम ओल था, तो मैंने 250 ग्राम तीनों सामग्री ले लिया है। 250 ग्राम लहसुन ले लिया है और 250 ग्राम अदरक और साथ ही 250 ग्राम हरा मिर्चा ले लिया है। और लहसुन का देखिए, मैंने अच्छे से छिलका हटा लिया है और मिर्ची को भी अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। और अदरक का भी हमें छिलका हटा लेना है। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से बारीक काट लेना है और अदरक और ओल को कद्दूकस कर लेना है। और ओल का अचार बनाने के लिए आगे वीडियो में मैंने छोटी छोटी टिप्स को शेयर किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने ओल को 10 से 12 मिनट तक धूप में रखकर छोड़ दिया था और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी देखिए सूख गया है। जब भी आप इसे कद्दूकस करें तो हाथ में ग्लव्स जरूर लगाएं, हाथ में ग्लव्स लगा कर ही इसे कद्दूकस करें। तो चलिए इसे कद्दूकस कर लेते हैं। साथ ही अदरक का भी छिलका हटाकर अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है। आप इसे किचन सीजर से भी काट सकते हैं या तो नाइफ की मदद से भी काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने लहसुन को अच्छे से बारीक बारीक काट दिया है। देखिए, इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है और अदरक को भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और इधर देखिए, मैंने हरी मिर्ची को भी अच्छे से बारीक काट लिया है। इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। तो मिर्ची को धोकर आप उसका पानी अच्छे से सुखा लें, उसके बाद मिर्ची को काटें। और अदरक को भी उसी तरह से धोने के बाद उसका पानी सुखा लें और उसके बाद छिलका हटाकर ग्रेट कर लें। और इधर देखिए, मैंने ओल को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो जिस ग्रेटर से मैंने अदरक को ग्रेट किया है ना, उसी से मैंने ओल को भी ग्रेट कर लिया है। और देखिए, यह देसी ओल था, तो देसी ओल हल्का लाल होता है। तो देखिए, सारी सामग्री हमारी तैयार हो चुकी है। आप इस अचार को बनाते समय मात्रा का खास ध्यान रखें। जितना ओल लेना है उससे हाफ हरी मिर्ची लेना है और उतना ही अदरक और उतना ही लहसुन लेना है। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, इसी में हम सारे सामग्री को मिक्स करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें ओल को डाल देंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि आप जिस भी बर्तन में अचार मिक्स कर रहे हैं वह एकदम सूखा होना चाहिए, जिससे अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब हम इसमें बारीक कटे हरे मिर्च को डाल देंगे। और उसके बाद ग्रेट किए हुए अदरक को भी इसमें डाल देंगे। बारीक कटे लहसुन को भी इसमें डाल देंगे।
तो देखिए सारी सामग्री को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक लेंगे, तो मैंने 4 चम्मच सफेद नमक ले लिया है। चलिए इसे भी डाल देते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, तो इसे भी इसमें डाल देंगे। और 4 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर ले लिया है, तो चलिए अब इसे भी डाल देते हैं। जीरे को आप पहले भून ले, उसके बाद उसका पाउडर बना ले। भुने हुए जीरे का पाउडर ही अचार बनाने में इस्तेमाल करें, तो ज्यादा टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और अब मैंने ले लिया है 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, तो इसे भी डाल देंगे। और साथ ही मैंने ले लिया है 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन मैंने साबुत ही लिया है। और 1 चम्मच मैंने कलौंजी ले लिया है, कलौंजी को भी साबुत ही लेना है। चलिए कलौंजी को भी डाल देते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर खटाई लिया है, तो यह आम का कूचा है, कुछ लोग इसे आम का गलका भी बोलते हैं। अगर आपके पास इस तरह का आम का कूचा नहीं है, तो आप आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अचार में कोई भी खटाई डालना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि और खाने से ना मुंह में इचिंग होता है, तो अगर आप उसमें खटाई डालिएगा तो इचिंग नहीं होगा और आराम से आप इसे खा पाइएगा और टेस्टी भी ज़्यादा लगेगा खाने में। तो आप खटाई ज़रूर से डालें फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का आम का गलका या कूचा बनाना नहीं आता है। तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। और आप भी इस तरह से आम का कूचा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ में खटाई के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 4 चम्मच है, तो चलिए अब इसे भी हम डाल देते हैं। तो देखिए मैंने खटाई भी डाल दिया है। और अब मैंने ले लिया है सरसों का तेल। तेल को पकाकर नहीं लेना है, तेल कच्चा ही लें। तो यह 200 ml तेल है, तो चलिए अब हम तेल को भी इसमें डाल देते हैं। देखिए मैंने तेल को भी डाल दिया है। तो चलिए अब सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो सभी सामग्री को एकदम अच्छे से एक समान मिला लेना है। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बातों में अचार में हल्दी पाउडर डालना तो भूल ही गई। तो देखिए 4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, तो अब इसे भी हम डाल देंगे। चलिए हम सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस अचार को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है, खासकर सर्दी के दिनों में एक बार बनाकर जरूर खाएं फ्रेंड्स। अगर एक बार आप इसे बनाकर अच्छे से स्टोर करके रख लेंगे, तो आप पूरे सर्दी के सीजन इस अचार को खा सकते हैं। यह अचार टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, तो आप इस अचार को एक बार जरूर बनाएं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो आप इसे इसी तरह से धूप में रखकर 3 से 4 दिन तक छोड़ देंगे। और कोई भी कॉटन के कपड़े से इसे ढक देना है और बीच बीच में इसे इस तरह से मिला देना है। और उसके बाद इसे हमें अच्छे से कांच के जार में स्टोर कर लेना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है अचार का, देखने से ही लग रहा है कि अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसे पूरी तरह से तैयार होने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है फ्रेंड्स। तो आप इसे सर्दी का मौसम शुरू होते ही बनाकर अच्छे से स्टोर करके रख ले और पूरे सर्दी के सीजन इस अचार को एंजॉय करें। तो देखिए अचार को मैंने कॉटन के कपड़े से ढककर 2 दिन के लिए धूप में रखकर छोड़ दिया था। चलिए आज हम अचार को अच्छे से स्टोर करने का तरीका बताएंगे, जिससे कि अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कांच का जार। अचार को कांच के जार में ही स्टोर करें। कांच के जार में अचार को स्टोर करके रखने पर अचार
लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यह अचार खास सर्दियों में खाया जाता है, तो आप सर्दी के सीजन शुरू होते ही इसे बनाकर अच्छे से स्टोर करके रख लें और पूरे सर्दी के सीजन इस अचार को एंजॉय करें। तो चलिए अब अचार को स्टोर करते हैं। स्टोर करने से पहले सबसे पहले जार को अच्छे से धोकर साफ कर लें और उसके बाद जार को अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लें और पोंछने के बाद 1 से 2 घंटे तक जार को धूप में रखकर छोड़ दें और उसके बाद ही अचार को जार में स्टोर करें। तो चलिए अब जार में अचार को स्टोर करते हैं। तो क्या आपने कभी इस तरह से ओल का अचार बनाया है फ्रेंड्स? अगर नहीं बनाया है तो इस सर्दी के सीजन आप इस ओल के अचार को जरूर बनाएं। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो देखिए मैंने अचार को जार में अच्छे से भर कर रख लिया है। तो अगर ओल के अचार का यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह के नए डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।